वेलकम स्टूडेंट्स, पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट क्लर्क के एग्जाम के लिए आज हम मॉक टेस्ट का 17th पार्ट करेंगे। हरियाणा रीजन के लिए ये एग्जाम निकला हुआ है और आपकी एग्जाम डेट 10 नवंबर है और आपके टोटल मार्क्स रहेंगे यहाँ पर 40 और पासिंग मार्क्स मैंने आपके लिए रखे हैं 30 और ऑल एक्सपर्ट लेवल टिक्स मैं आपको क्वेश्चंस के बीच में करवाता रहूंगा। लास्ट तक वीडियो को जरूर देखें अगर आप पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट क्लर्क के एग्जाम को क्रैक करना चाहते हो। तो बिना टाइम वेस्ट किए कर लेते हैं आज के मॉक टेस्ट को यहीं पर स्टार्ट। फर्स्ट क्वेश्चन, बैरोग्राफ वाज इन्वेंटेड बाय, तो बैरोग्राफ की इन्वेंशन किसने की थी। आपके पास हैं चार ऑप्शंस और मैं आपको सोचने के लिए दूंगा 10 सेकंड्स का टाइम, इससे आपको पता लगेगा कि आपके कितने स्कोर होते हैं इस मॉक टेस्ट में। 10 सेकंड्स आंसर देने के लिए। राइट आंसर इज ऑप्शन बी, लो प्रोडक्शन ऑफ इंसुलिन और ये कंट्रोल करती हैं शुगर लेवल को। नेक्स्ट क्वेश्चन, टेक्टोना ग्रेडिसलिन इज द साइंटिफिक नेम ऑफ, तो टेक्टोना ग्रेडिसलिन एक साइंटिफिक नेम है इन दिए गए ऑप्शन में से किसका। तो ये एक वैज्ञानिक नाम है टीक का, तो ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर रहेगा, टीक होती है लकड़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सी एनीमोना बिलोंग्स टू द डैश फिल्म, तो सी एनीमोना बिलोंग करता है डैश फाइलम से, तो फाइलम होता है प्रजाति, तो कौन सी प्रजाति से बिलोंग करता है सी एनीमोना। तो ये बिलोंग करता है सिनीडारिया से, तो ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच अमंग द फॉलोइंग इज प्रेजेंट इन साइड द न्यूक्लियस ऑफ द एटम, तो इन दिए गए ऑप्शन में से कहां प्रेजेंट होता है न्यूक्लियस ऑफ एटम। राइट आंसर इज प्रोटोन एंड न्यूट्रॉन्स, ऑप्शन ए राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज बेकिंग सोडा, तो बेकिंग सोडा क्या है, तो बेकिंग सोडा एक सोडियम बाइकार्बोनेट है, तो ऑप्शन सी राइट आंसर रहने वाला है यहां पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, वैल्यू ऑफ टोटल गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूस इन अ कंट्री इज इट्स, किसी देश में उत्पादन किए गए सामान और सेवाओं का मूल्य उसका डैश कहलाता है। आपके पास हैं चार ऑप्शंस, तो वो कहलाता है ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, तो जीडीपी जिसे हम बोल देते हैं, ऑप्शन ए इज राइट आंसर। अगर अभी तक भी आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, हमारा चैनल आपकी निश्चित ही हेल्प करेगा अगर आप किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, डिजोल्वड ऑक्सीजन इन रिवर इज क्लोज टू डैश पार्ट पर मिलियन, नदियों में घुली हुई ऑक्सीजन की मात्रा प्रति मिलियन डैश भाग होती है, तो आपके पास हैं चार ऑप्शंस आंसर देने के लिए। राइट आंसर इज ऑप्शन सी 5। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑल्सो नोन एज कॉमन वाटर हाइसिंथ, तो किसे जल भूमि के नाम से भी जाना जाता है, तो ये जाना जाता है एक्रोनिया को, तो ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर रहेगा। किसी भी कंप्लीट एग्जाम में अगर आप क्लियर क्रैक करना चाहते हो एग्जाम, तो जीके मोस्ट इंपोर्टेंट रहती है, तो डेली एक जीके की वीडियो जरूर देखें। हमारे चैनल में बहुत सारी वीडियो अपलोड कर चुका है जीके की, तो वो वीडियो जरूर देखें। हर एक कंपिटेटिव एग्जाम में हमारे क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा रिपीट हो रहे हैं, तो इन वीडियोस को मिस मत कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, रुक्मणी देवी अरुणंदलले इज एसोसिएटेड विद, तो आपको बताना है कि रुक्मणी देवी कौन सी दिए गए ऑप्शन में से एसोसिएट करती है,
तो ये एसोसिएट करती हैं भरतनाट्यम से, तो ऑप्शन बी यहां पर राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्टेट डज नॉट शेयर अ कॉमन बॉर्डर विद हरियाणा। तो दिए गए ऑप्शन में से कौन सा राज्य अपनी सीमा शेयर नहीं करता है हरियाणा के साथ? तो राइट आंसर है मध्य प्रदेश, तो ऑप्शन बी राइट आंसर रहेगा। इजी क्वेश्चन है, लेकिन हरियाणा रीजन के लिए एग्जाम निकला है, तो हरियाणा के रिलेटेड इजी क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को नोट जरूर कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच प्लैनेट इज ऑल्सो रेफर टू एज अ ड्वार्फ प्लैनेट। तो राइट आंसर इज प्लूटो, ऑप्शन ए इज राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वॉज द फाउंडर ऑफ द ब्राह्मो समाज फाउंडर इन 1828। तो ब्राह्मो समाज का फाउंडर कौन है? तो ब्राह्मो समाज के जो फाउंडर हैं वो है राजा राम मोहन राय, तो ऑप्शन डी राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच एक्टर वॉन द बेस्ट एक्टर अवार्ड इन फर्स्ट फिल्म फेयर अवार्ड। तो आपको बताना है कि बेस्ट एक्टर का अवार्ड फर्स्ट फिल्म फेयर अवार्ड में किसने जीता था? तो ये मिला था दिलीप कुमार को। तो क्वेश्चन घुमाकर भी आपसे एग्जामिनर पूछ सकता है, ये भी पूछ सकता है कि कौन से ईयर में फर्स्ट फिल्म फेयर अवार्ड हुए थे, तो ये हुए थे मार्च 1954 को। तो इन अवार्ड्स का नाम पहले क्लैरे अवार्ड्स था, तो इसके बाद इसको फिल्म फेयर अवार्ड से नाम कर दिया गया था, ये भी आपको याद कर लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ फॉलोइंग फिजिकल क्वांटिटीज इज स्केलर क्वांटिटी। तो निम्नलिखित भौतिक मात्राओं में से कौन सी एक अदिश राशि है? राइट आंसर इज यंग्स मॉडुलस, तो ऑप्शन सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, दीपिका कुमारी इज एसोसिएटेड विद, अगर आप करंट अफेयर सुनते हो तो आपको पता होगा दीपिका कुमारी एसोसिएट करती हैं कौन सी इन दिए गए ऑप्शन में से। तो दीपिका कुमारी है जो एसोसिएट करती है आर्चरी से, जिसे हम तीर अंदाजी बोल देते हैं। आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि इन्होंने कौन सा मेडल जीता था, इन्होंने गोल्ड मेडल जीता था 2010 में कॉमनवेल्थ गेम्स में। तो घुमा फिरा कर भी आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, हर एक पॉइंट ऑफ व्यू से आपको क्वेश्चन को याद कर जाना है, ताकि आपको एग्जाम में बिल्कुल भी प्रॉब्लम ना हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, द इंडियन पार्लियामेंट हाउस वॉज डिजाइंड बाय। तो इंडियन पार्लियामेंट को डिजाइन किसने किया था? तो ये किया था डिजाइन एडविन लुटियंस ने, तो ऑप्शन सी यहां पर राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, रघुवीर चौधरी वॉन जनपथ अवार्ड फॉर वर्क इन विच लैंग्वेज। तो रघुवीर चौधरी को इनाम मिला था, जनपथ अवार्ड जीता था इन्होंने, तो कौन सी लैंग्वेज में इन्होंने ये जीता था? तो ये इनको मिला था गुजराती लैंग्वेज के लिए 2015 में। ईयर जरूर याद कर लें, क्योंकि ईयर्स वाले क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं, आपसे पूछ लिए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ड्रग इज यूज्ड एज एन एंटी डिप्रेसेंट। कौन सी ड्रग यूज की जाती है? तो आपको बताना है, आपके पास हैं चार ऑप्शंस। तो ये यूज की जाती है बुप्रोपोइन, तो ऑप्शन डी राइट आंसर रहेगा। सिगरेट छोड़ने के लिए भी ये ड्रग यूज की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द ऑरेंज कलर ऑफ कैरेट इज बिकॉज ऑफ। तो आपने देखा होगा कि कलर ऑरेंज होता है कैरेट का किस कारण, तो आपके पास हैं चार ऑप्शंस। राइट आंसर इज कैरोटीन, तो कैरोटीन की वजह से कैरेट का कलर ऑरेंज होता है, तो ऑप्शन बी राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्नेक वेनम इज हाईली मॉडिफाइड सलाइवा कंटेनिंग। तो सांप का जहर अधिक शक्तिशाली लार होता है जिसमें डैश होता है, तो आपके पास हैं चार ऑप्शंस। राइट आंसर इज जोकोटिंस। नेक्स्ट क्वेश्चन, हैवी वाटर इज, तो आपके पास हैं चार ऑप्शंस आंसर देने के लिए।
राइट आंसर इज ड्रूटियम ऑक्साइड, जिसका केमिकल फॉर्मूला होता है D2O। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच अमंग द फॉलोइंग एलिमेंट्स हैज हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो इन दिए गए एलिमेंट में से किसकी हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है? राइट आंसर इज ऑप्शन सी अर्सेनिक। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोस्ट एयरपोर्ट्स इन इंडिया आर नेम्ड आफ्टर। तो दिए गए ऑप्शन में से राइट आंसर गेस कीजिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है, लेकिन बहुत सारे कंपिटेटिव एग्जाम्स में ये क्वेश्चन रिपीट हो रहा है। राइट आंसर इज पॉलिटिशियंस। तो ऑप्शन सी यहां पर राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बगदाद इज द कैपिटल सिटी ऑफ। तो बगदाद कैपिटल सिटी है इन दिए गए ऑप्शन में से किसकी? राइट आंसर इज इराक। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, बैटल ऑफ कनौज वाज फाउट इन द ईयर। तो बैटल ऑफ कनौज कौन से ईयर में हुई थी? तो ये हुई थी 1540 में। तो ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर रहेगा। एग्जामिनर आपसे ये भी पूछ सकता है कि किस किस के बीच में ये फाइट हुई थी। तो ये हुई थी शेरशाह सूरी और हुमायूं के बीच में। आपसे क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि इसमें विन किसने किया था। तो शेरशाह सूरी इस जंग में जीत गए थे और हारे थे हुमायूं, और इसके बाद शेरशाह सूरी आगरा और दिल्ली के सुल्तान बने थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, वो एस्टाब्लिश द फाउंडेशन ऑफ द क्वांटम थ्योरी। तो क्वांटम थ्योरी की इन्वेंशन है जो फाउंडेशन किसने की थी दिए गए ऑप्शन में से? तो क्वांटम थ्योरी मैक्स प्लैंक के द्वारा फाउंड की गई थी। तो ऑप्शन ए यहां पर राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ इन अ मोशन द एक्सिस ऑफ द रोटेशन पासिस थ्रू एन ऑब्जेक्ट देन द मोशन इज कॉल्ड। यदि गति में रहते हुए धरण की धुनी की वस्तु में से होकर गुजरती है तो उसकी गति को क्या कहेंगे? तो उसे हम बोलेंगे स्पिन मोशन। तो ऑप्शन सी यहां पर बिल्कुल राइट आंसर रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कॉल साइन ऑफ एनी एयरक्राफ्ट कैरिंग द इंडियन प्रेसिडेंट इज। तो भारतीय राष्ट्रपति को ले जाने वाले किसी भी हवाई जहाज की बुलाने का संकेत क्या होगा? तो इसका संकेत होगा एयर इंडिया वन। तो ऑप्शन ए राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आर्टिकल 32 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रेमिडीज फॉर एनफोर्समेंट ऑफ राइट कन्फर्ड बाय दिस पार्ट डील्स विद। तो आर्टिकल 32 किसके साथ डील करता है दिए गए ऑप्शन में से? तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी, द फंडामेंटल्स राइट ऑफ द इंडियन सिटीजन। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फर्स्ट इंडियन स्पोर्ट पर्सन टू विन एन इंडिविजुअल ओलंपिक सिल्वर फॉर इंडिया इस। तो पहले भारतीय स्पोर्ट पर्सन कौन थे जिन्होंने इंडिविजुअल ओलंपिक सिल्वर जीता था इंडिया से? तो ये थे राजवर्धन सिंह। तो ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर रहेगा। आपसे एग्जामिनर ये भी पूछ सकता है कि किस में इन्होंने जीता था। तो ये जीता था इन्होंने शूटिंग में, बाद में ये पॉलिटिक्स में चले गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, वो रोट द हैरी पॉटर सीरीज। मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड इजी क्वेश्चन, SSC के एग्जाम में बहुत बार रिपीट हो रहा है, तो आपके एग्जाम में भी रिपीट होने के चांसेस हैं इसके। तो वो रोट द हैरी पॉटर सीरीज, तो हैरी पॉटर सीरीज किसने लिखी थी? तो ये लिखी थी J.K. रोलिंग ने। तो मोस्ट ऑफ स्टूडेंट्स को इसका आंसर पहले से ही पता होगा, लेकिन जिनको नहीं पता वो नोट जरूर कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन, एवरग्रीन टाइप फॉरेस्ट आर फाउंड इन। तो एवरग्रीन टाइप फॉरेस्ट कहां पर पाए जाते हैं? तो ये पाए जाते हैं इक्वेटोरियल रीजन में। तो ऑप्शन डी राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडियाज फर्स्ट नोबेल प्राइज वॉज गिवन फॉर। तो इंडियाज फर्स्ट नोबेल प्राइज है किस चीज के लिए दिया गया था? आपके पास है चार ऑप्शंस।
तो ये दिया गया था लिटरेचर के लिए, तो ऑप्शन ए राइट आंसर रहेगा। एग्जामिनर आपसे ये भी पूछ सकता है कि किसको दिया गया था, तो ये दिया गया था रविंद्रनाथ टैगोर को। तो ये भी पूछ सकता है कौन से ईयर में, तो 1913 में ये दिया गया था। और गीतांजलि पुस्तक इन्होंने लिखी थी रविंद्रनाथ टैगोर ने, उसके लिए इनको 1913 में लिटरेचर अवार्ड दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, द रूलर ऑफ विच डायनेस्टी स्टार्टेड द प्रैक्टिस ऑफ ग्रांटिंग टैक्स फ्री विलेजेस टू ब्राह्मण्स एंड बुद्धिस्ट मॉन्क्स। तो किस वंश के शासक द्वारा ब्राह्मण और बौद्ध भिक्षुओं को कर मुक्त गांव देने की प्रथा शुरू की गई थी? मोस्ट इंपॉर्टेंट हिस्ट्री का क्वेश्चन है ये। राइट आंसर इज सतावंश, तो ऑप्शन ए राइट आंसर रहेगा। तो इन्होंने दो तीन चीजें ऐसी स्टार्ट की थी जिनके क्वेश्चन हर एक कंपिटेटिव एग्जाम में बन जाते हैं। तो इन्होंने मदरस का नाम अपनाया था, तो ये भी पूछा जा सकता है कि मदरस का नाम किसने अपनाया था, तो ये अपनाया था सतावंश ने। और इन्होंने लेड के सिक्के भी जारी किए थे। ये तीनों क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं और पहले भी पूछे जा रहे हैं, तो आप इन तीनों क्वेश्चन को नोट जरूर कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन, द एश ग्रे सोइल ऑफ हाई लैटिट्यूड कॉन्फिरियस फॉरेस्ट आर नोन एस। तो शंकुधारी वन की एश ग्रे मिट्टी को क्या कहा जाता है? तो उसे कहा जाता है पॉड सॉस। तो ऑप्शन बी यहां पर बिल्कुल राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच अमंग द फॉलोइंग इज अ फोक डांस ऑफ इंडिया। तो इन दिए गए ऑप्शन में से कौन सा फोक डांस है इंडिया का? तो राइट आंसर इज गरबा। तो गरबा फोक डांस है इंडिया का। और ऑप्शन ए बी सी मोहिनीअट्टम कथकली मणिपुर, ये तीनों एक क्लासिकल डांस है हमारे इंडिया के। तो इन क्वेश्चंस को भी आप जरूर नोट डाउन कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन, द लेयर ऑफ एटमोस्फियर क्लोज टू द अर्थ सरफेस इज कॉल्ड। तो कौन सी लेयर है जो एटमोस्फियर के क्लोज है अर्थ सरफेस के? तो आपके पास हैं चार ऑप्शंस। तो राइट आंसर है ट्रोपोस्पियर। तो अर्थ के सबसे नजदीक है ट्रोपोस्पियर, उसके बाद है स्ट्रेपोस्पियर, उसके बाद है मेसोस्पियर, उसके बाद है थर्मोस्पियर, उसके बाद है एक्सोस्पियर। तो आपसे कोई भी लेयर का नाम पूछा जा सकता है, तो इन्हें नोट डाउन जरूर कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन, द गैस यूज फॉर आर्टिफिशियल फ्रूट राइपिंग ऑफ ग्रीन फ्रूट इज। तो वह गैस है जो हरे कच्चे फल को कृमित रूप में पकाने के लिए इस्तेमाल की जाती है, तो आपको उसका नाम बताना है। तो वो है एथेलीन। तो ऑप्शन ए राइट आंसर रहेगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, बैक्टीरिया वाज फर्स्ट डिस्कवर्ड बाय। तो बैक्टीरिया डिस्कवर किया गया था किसके द्वारा इन दिए गए ऑप्शन में से? तो ये इन डिस्कवर किया गया था ए वी ल्यू वैंकोक के द्वारा। तो ऑप्शन ए इज राइट आंसर। फ्रेंड्स, अब मैं आपको जो क्वेश्चन पेपर सॉल्व कराने वाला हूँ, आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाला है। उस एग्जाम से आपको 2 से 4 नंबर के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, ये अनुमान लगाया जा रहा है। क्योंकि हरियाणा रीजन की तरफ से एग्जाम निकला हुआ, तो हरियाणा पटवारी का एग्जाम हाल ही में होकर हटा है, तो वो एग्जाम हम आपके साथ सॉल्व करने वाले हैं। उस एग्जाम में से 2 से 4 क्वेश्चन जरूर पूछे जा सकते हैं, तो उसे हम सॉल्व करेंगे आपके साथ। तो ये वीडियो को पूरा जरूर देख लें। फाइनेंस कमीशन, तो फाइनेंस कमीशन इन दिए गए ऑप्शंस में से क्या कार्य करता है? तो ये करता है केंद्र सरकार और राज्यों के बीच में संसाधनों के बंटवारे पर डिसीजन लेता है। तो कौन सा ऑप्शन राइट रहेगा? ऑप्शन डी, एडजुडिकेट्स ऑन द शेयरिंग ऑफ रिसोर्सेज बिटवीन सेंटर एंड द स्टेट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वॉज द फर्स्ट इंडियन सोल्जर टू रिफ्यूज टू द यूज ऑफ ग्रीसीड कार्ट्रिज। तो कौन सा ऐसा पहला सोल्जर था जिसने चर्बी लगे कारतूस चलाने से मना कर दिया था? तो ये थे मंगल पांडे। तो ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर रहेगा सेकेंड क्वेश्चन के लिए। और मंगल पांडे हैं जो 34th बंगाल नेटिव इन्फेंट्री के
सिपाही थे, तो ये भी आपको याद रखना है। 34th बंगाल नेटिव इन्फेंट्री के मेंबर थे। ये भी अक्सर एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि कौन सी इन्फेंट्री के ये सोल्डर थे, तो 34th इन्फेंट्री के ये सोल्डर थे, ये भी आपको याद कर लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्यूरिंग पीरियड ऑफ इन्फ्लेशन टैक्स रेट शुड, मुद्रा स्फीति के समय टैक्स की दरों में क्या होता है, तो क्या होता है, ये इंक्रीज हो जाती है, तो ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्मॉल पॉक्स इज कॉज्ड बाय, तो स्मॉल पॉक्स किस कारण होता है, स्मॉल पॉक्स को हम हिंदी में चेचक का रोग भी बोलते हैं, तो ये होता है विरोला वायरस से, तो ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर रहेगा 4th क्वेश्चन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, द एज ऑफ द अर्थ कैन बी डिटरमाइंड बाय, तो अर्थ की एज को कैसे मापा जा सकता है, तो इसको मापा जा सकता है रेडियोमेट्रिक डेटिंग से, तो ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर रहेगा 5th क्वेश्चन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिस इज बैक्टीरियल डिसीज, तो इनमें से बैक्टीरियल डिसीज कौन सा है, बैक्टीरियल डिसीज वो होते हैं जो जीवाणुओं से होते हैं, तो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए ग्रनोहोइया है बैक्टीरिया डिसीज। नेक्स्ट क्वेश्चन, लाफिंग गैस इज द नेम गिवन टू, तो लाफिंग गैस है किसको नेम ये दिया गया है, तो ये दिया गया है नाइट्रोस ऑक्साइड को, तो ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर रहेगा 7th क्वेश्चन के लिए। और नाइट्रोस ऑक्साइड का जो फॉर्मूला होता है वो होता है N2O, तो ये भी आपको याद कर लेना है, एग्जामिनर किसी भी तरह के क्वेश्चन पूछ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेड लाइट इज यूज्ड इन ट्रैफिक सिग्नल्स बिकॉज, तो आप सभी को पता ही है रेड लाइट यूज की जाती है ट्रैफिक सिग्नल्स के लिए, लेकिन क्यों यूज की जाती है, तो ये यूज की जाती है क्योंकि इसकी तरंग दरें ज्यादा होती है, तो सी ऑप्शन बिल्कुल राइट रहेगा, इट हैज लॉन्गेस्ट वेवलेंथ, इसकी तरंग दरें हैं जो ज्यादा होती हैं, इट कैन बी सीन फ्रॉम अ लॉन्ग डिस्टेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन, कार्बन मोनोऑक्साइड इज एन इनफ्लेमेबल गैस, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज आल्सो इनफ्लेमेबल गैस, तो कार्बन मोनोऑक्साइड एक ज्वलनशील गैस है, तो इन दिए गए ऑप्शन में से और ज्वलनशील गैस कौन सी है, तो ये है हाइड्रोजन, हाइड्रोजन भी एक ज्वलनशील गैस है, तो ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर रहेगा 9th क्वेश्चन के लिए। और फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, हमारा चैनल आपकी निश्चित ही हेल्प करेगा अगर आप किसी भी कम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्रॉम विच पार्ट ऑफ द प्लांट इज टर्मरिक ऑब्टेन, तो प्लांट के कौन से भाग्य से टर्मरिक ऑब्टेन होती है, यानी कि हल्दी हमको कहाँ से मिलती है, टर्मरिक होती है हल्दी, तो ये मिलती है स्टेम से, तो ऑप्शन बी राइट आंसर रहेगा, और स्टेम को हिंदी में हम बोल देते हैं तना। नेक्स्ट क्वेश्चन, एंगियोप्लास्टी इज अ प्रोसीडर टू क्लीन, तो एंगियोप्लास्टी एक प्रोसीडर है किसको क्लीन करने के लिए, ये हृदय और धमनियों को साफ करने के लिए एक प्रोसीडर होता है, तो कौन सा राइट आंसर रहेगा, तो सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर रहेगा, द ब्लॉक्ड कोरोनरी आर्टरीज। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मेन कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ नेचुरल गैस इज, तो मेन कॉन्स्टिट्यूएंट कौन सा है नेचुरल गैस का, तो ये है मिथेन, तो ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर रहेगा। और मिथेन का जो केमिकल फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, वो होता है CH4, तो केमिकल फॉर्मूलाज भी आपको याद कर लेने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेन यू बेक अ बार मैग्नेट इंटू टू पीसीज यू गेट, अगर आप चुंबक को दो टुकड़ों में तोड़ते हो तो आपको क्या प्राप्त होता है, तो आपको प्राप्त होंगे टू शॉर्टर कंप्लीट मैग्नेट्स, तो ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर रहेगा 13th क्वेश्चन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग अमेंडमेंट एक्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड अ थ्री टायर सिस्टम ऑफ पंचायती राज इन द स्टेट, तो कौन से अमेंडमेंट एक्ट के तहत प्रोवाइड किया गया है थ्री टायर सिस्टम पंचायती राज में, तो ये प्रोवाइड किया गया है 73 अमेंडमेंट के तहत, और थ्री टायर्स में क्या होता है, थ्री टायर्स में होता है थ्री पार्ट्स में डिवाइड किया गया होता है पंचायती राज को, सबसे पहले आ जाती है ग्राम पंचायत, सेकंड नंबर पर आ जाती है पंचायत समिति,
और नेक्स्ट हमारी थर्ड पर आ जाती है जिला परिषद। नेक्स्ट क्वेश्चन, द इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट वाज इनेक्टेड इन, तो जो इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट था कब शुरू हुआ था, तो ये स्टार्ट हुआ था 1986 में। तो ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर रहेगा, और ये 253 आर्टिकल के अंडर स्टार्ट किया गया था, तो ये भी आपको साथ के साथ नोट करके चलना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूशन इज सिचुएटेड एट, तो ये कहाँ पर है, इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूशन, तो ये है न्यू दिल्ली में, तो ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर रहेगा। और इसको कब लागू किया गया था, 1 अप्रैल 1905 को इसकी एस्टैब्लिशमेंट हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन इंडिया जेनी बैंक ऑफ वीट इज लोकेटेड एट, तो इंडिया में जो जेनी बैंक है गेहूं के लिए वो कहां पर है, तो ये है करनाल में, तो ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर रहेगा, करनाल हमारा पड़ता है हरियाणा में। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल इन इंडिया हैज बीन एस्टैब्लिश्ड इन द ईयर, तो किस ईयर में एस्टैब्लिश्ड किया गया था नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी, 2010 में एस्टैब्लिश की गई थी नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। और कौन से एक्ट के तहत इसको एस्टैब्लिश किया गया था, अंडर आर्टिकल नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एक्ट 2010, तो ये भी आपको नोट करते चलना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑन 14 अप्रैल 2018 प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी लॉन्च्ड गर्मोदया से भारत उदय कैंपेन फ्रॉम, तो ये कहां से स्टार्ट की गई थी, तो ये स्टार्ट गई थी महो एमपी से स्टार्ट की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच स्टेट सिंहासता कुंभ 2016 इज टेकिंग प्लेस, तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन डी मध्य प्रदेश। और मध्य प्रदेश की कैपिटल क्या है, मध्य प्रदेश की कैपिटल है भोपाल, क्या है भोपाल। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज द वाइस चेयरमैन ऑफ नीति आयोग इन 2015 एंड 16, तो 2015 और 16 में नीति आयोग के उप अध्यक्ष कौन थे, तो ये थे अरविंद पंगारिया, तो ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर रहेगा 21st क्वेश्चन के लिए। और नीति आयोग की आपको फुल फॉर्म भी याद कर लेने, जो यहाँ पर टर्म है नीति, तो नीति की फुल फॉर्म होती है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, क्या होती है, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, तो ये कब बनी थी, तो ये बनी थी 1 जनवरी 2015 को, तो इसकी फॉर्मेशन डेट भी पूछ सकते हैं, तो ये भी आप नोट कर लें। और इसके चेयरमैन कौन होते हैं, जो भी प्रेजेंट टाइम पर प्राइम मिनिस्टर होंगे वही इसके चेयरमैन होंगे, तो प्रेजेंट टाइम पर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ही चेयरमैन है नीति आयोग के। नेक्स्ट क्वेश्चन, NLRMP स्टैंड्स फॉर, तो आपको इसकी फुल फॉर्म बतानी है, तो इसकी फुल फॉर्म होती है नेशनल लैंड रिकॉर्ड्स मॉडर्नाइजेशन प्रोग्राम, तो ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर रहेगा 22 क्वेश्चन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट कमेटी टू गिव सजेशन फॉर द डेवलपमेंट ऑफ पंचायत, तो पंचायत के लिए सबसे पहली कमेटी कौन थी जिसने सजेशंस दिए थे, तो ये थी बलवंत राय मेहता कमेटी, तो ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर रहेगा 23 क्वेश्चन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम वाज स्टार्टेड इन द ईयर, तो जो महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम थी किस ईयर में स्टार्ट की गई थी, तो ये स्टार्ट की गई थी 2 फेब 2006 को, तो ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर रहेगा। बहुत सारे बच्चे
2005 2005 पर टिक कर रख कर आते हैं, लेकिन वो गलत है क्योंकि महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम एक्ट 2005 है, लेकिन जो इसकी स्टार्टिंग ईयर है वो है 2006, 2 फरवरी 2006 को ये स्टार्ट हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट एग्रीकल्चर सेंसस वाज कंडक्टेड इन, तो पहली कृषि संगणना कब हुई थी? तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए 1970 और 71 में हुई थी पहली कृषि संगणना। तो 25वें क्वेश्चन के लिए ए ऑप्शन बिल्कुल हमारा राइट आंसर रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नगरजुन्ना सागर डैम इज बिल्ड ऑन द रिवर, तो जो नगरजुन्ना सागर डैम है कौन सी रिवर पर बना हुआ है? तो ये बना हुआ है कृष्णा रिवर पर, तो ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर रहेगा 26वें क्वेश्चन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हरियाणा हैज हाईएस्ट लिटरेसी, तो कौन सी डिस्ट्रिक्ट ऐसी है हरियाणा में यहाँ पर साक्षरता दर है जो सबसे ज्यादा है? तो ये कहाँ पर है? गुड़गांव में, तो ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच फैक्ट्री इज सिचुएटेड इन फरीदाबाद, तो फरीदाबाद में कौन सी फैक्ट्रीज हैं? तो यहाँ पर रबर टायर की फैक्ट्री भी है, ट्रैक्टर की फैक्ट्री भी है, रेफ्रिजर की फैक्ट्री भी है, तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑल द अबव, तो ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ब्रीड ऑफ बफेलो ऑफ हरियाणा इज कंसीडर्ड बेस्ट, तो जो हरियाणा में कौन सी ब्रीड है जो बफेलो की जिसे बेस्ट माना जाता है? तो ये माना जाता है मुराको, तो ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टेट स्पोर्ट ऑफ हरियाणा इस, तो राजकीय खेल कौन सी है हरियाणा की? तो ये तो आप सभी को पता ही होगा, रेसलिंग, जिसको हम हिंदी में कुश्ती बोलते हैं, तो ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज द मेन मैगजीन ऑफ हरियाणा साहित्य अकेडमी, तो हरियाणा साहित्य अकेडमी की जो मुख्य पत्रिका है वो कौन सी है? तो ये है हरिगंधा, तो ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर रहेगा 31st क्वेश्चन के लिए, हरिगंधा ही है मुख्य पत्रिका साहित्य अकेडमी की। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज द बर्थ प्लेस ऑफ स्पेस साइंटिस्ट कल्पना चावला, तो कल्पना चावला का जो बर्थ प्लेस है वो कौन सा है? तो ये है करनाल, तो ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर रहेगा। और कल्पना चावला को जो जन्म हुआ था वो हुआ था 1962 को, कब हुआ था? 1962 को। और इनकी मृत्यु कब हो गई थी? इनकी मृत्यु हो गई थी February 1, 2003 को, और ये फर्स्ट इंडियन वुमेन थी जो स्पेस में गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फर्स्ट बैटल फाउंड इन तारावदी वाज वोन बाय वूम, तो जो फर्स्ट बैटल हुई थी किसके द्वारा जीती गई थी तरेन में? तो ये जीती गई थी पृथ्वीराज चौहान के द्वारा, तो ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर रहेगा। और किस किस के बीच में ये फाइट हुई थी? ये हुई थी सुल्तान मोहम्मद और पृथ्वीराज चौहान के बीच में। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द बैटल ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 राव तुलाराम फाउट अगेंस्ट ब्रिटिशर इन द रीजन ऑफ, तो जो आजादी की लड़ाई हुई थी 1857 में तो वो किस रीजन में हुई थी? तो ये हुई थी नरोल रेवाड़ी में, तो ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बुजानी ऑर्नामेंट इज वेयर आउट ऑन द, तो जो बुजानी आभूषण है कहां पर धारण किया जाता है? तो ये धारण किया जाता है एयर्स में, तो ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सोना सिटी इज फेमस फॉर, तो सोना सिटी को किस चीज के लिए प्रसिद्धि मिली है? तो यहां पर गर्म पानी के कुंड के लिए ये फेमस है, तो ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर रहेगा 36th क्वेश्चन के लिए, हॉट वाटर स्प्रिंग्स। और इसको और नाम से भी जाना जाता है, साउथ गुड़गांव और ग्रेटर गुरुगांव के नाम से भी इसे जाना जाता है, सोना सिटी को। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाना भट्टा वाज अ फ्रेंड एंड स्टेट पोइट ऑफ द किंग, तो जो बाना भट्टर मित्र और राजकीय कवि थे किस किंग के? तो ये थे हर्षवर्धन के, तो ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर रहेगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन, फेमस इंडियन क्लासिक वोकलिस्ट पंडित जसराज वास बोर्न इन, तो जो फेमस इंडियन क्लासिकल वोकलिस्ट थे पंडित जसराज, उनका जन्म कहां पर हुआ था? तो इनका जन्म हुआ था हिसार में, और कब हुआ था? 28 जनवरी 1930 को। तो ये भी आपको साथ में साथ नोट करते चलना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सरस्वती वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज इन द डिस्ट्रिक्ट ऑफ, तो जो सरस्वती वन्य जीव अभयारण्य है ये कहां पर है, कौन सी डिस्ट्रिक्ट में है? तो ये है कैंथल में, तो ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एज अ गवर्नर ऑफ हरियाणा वुज टेनर हैज बीन द लॉन्गेस्ट वन, तो किसका कार्यकाल एज अ गवर्नर सबसे ज्यादा रहा है हरियाणा में? तो ये रहा है बी एन चक्रवर्ती का, तो ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर रहने वाला है यहां पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर द इंडियन इंस्टीट्यूशन ऑफ मैनेजमेंट इज एस्टैब्लिश्ड, तो जो इंडियन इंस्टीट्यूशन है मैनेजमेंट का वो कहां पर है? तो ये है अंबाला में, तो ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर रहेगा 41 क्वेश्चन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच सिटी ऑफ हरियाणा द मेट्रो रीच फर्स्ट, तो सबसे पहले मेट्रो कहां पर पहुंची थी हरियाणा में? तो ये पहुंची थी गुड़गांव में, तो ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फर्स्ट वुमेन माउंटेनर वो क्लिम्स ओवर द माउंट एवरेस्ट ट्वाइस इज, तो दो बार चढ़ी थी माउंट एवरेस्ट पर वो वुमेन का नाम आपको बताना है यहां पर। तो ये है संतोष यादव, तो ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर रहेगा। क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि संतोष यादव का जन्म कहां पर होता, तो इनका जन्म हुआ था रेवाड़ी हरियाणा में, रेवाड़ी है जो कि हरियाणा में पड़ता है, तो ये भी आपको याद कर लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन हरियाणा विच प्लेस इज नोन एज छोटी कांशी ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ नवा घारा कुंड, तो छोटी कांशी किसको जाना जाता है? तो ये जाना जाता है कैंथल को, तो ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर रहेगा यहां पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, सीही विलेज इज नोन फॉर द बर्थ प्लेस ऑफ विच सेंट पोइट, तो कौन से सेंट पोइट के जन्म के लिए सीही विलेज को जाना जाता है? तो ये जाना जाता है संत सूरदास के जन्म के लिए, तो ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर रहेगा यहां पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, महाराजा अगरसेन इज एसोसिएटेड विद विच सिटी, तो जो महाराजा अगरसेन है किस सिटी से संबंधित है? तो ये संबंधित है अगरोहा से, तो ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर रहने वाला है यहां पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑन विच डेट हरियाणा गोट हिज कंप्लीट स्टेट स्टेटस, तो ये तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है, आप सभी को पता ही होगा। तो हरियाणा को जो कंप्लीट स्टेट स्टेटस मिला था, ये मिला था 1 नवंबर 1966 को, तो ऑप्शन ए राइट आंसर रहने वाला है यहां पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हरियाणा इज इरिगेटेड बाय वेस्टर्न यमुना कनाल, तो पश्चिमी यमुना नहर के द्वारा किस जिले में सिंचाई की जाती है? तो ये की जाती है रोहतक में, सोनीपत में, करनाल में, तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑल दिस डिस्ट्रिक्ट्स, तो 48 क्वेश्चन के लिए ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द हेडक्वार्टर ऑफ विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हरियाणा इज इन नरोल, तो हरियाणा के किस जिले का मुख्यालय नरोल में है? तो ये है महेंद्रगढ़ का, तो ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर रहने वाला है यहां पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, वो इज द गुरु ऑफ बाबा रामदेव, तो बाबा रामदेव जी के गुरु कौन थे? तो ये तो आप सभी को पता ही होगा, ये थे आचार्य बलदेव, तो ऑप्शन डी यहां पर राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधारा गिफ्ट गिव टू डॉटर और सिस्टर ऑन द ओकेशन ऑफ, तो सिंधारा का जो पुरस्कार है वो दिया जाता है किस ओकेशन पर डॉटर और सिस्टर्स को? तो ये दिया जाता है तीज के अवसर पर दिया जाता है सिंधारा का गिफ्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्लैनेट नियरेस्ट टू द अर्थ आर, तो इनमें से आपको बताना है कि सबसे
सन के पास कौन से प्लैनेट्स हैं? तो इसका राइट आंसर रहेगा मरकरी और वीनस। तो मैं आपको लाइन वाइज बता देता हूं जो कि सन के नियरेस्ट प्लैनेट्स हैं। सबसे पहले है मरकरी, फिर है वीनस, उसके बाद है हमारा अर्थ, फिर है मार्स, फिर है जुपिटर, फिर उसके बाद सैटर्न, फिर उसके बाद यूरेनस एंड नेपच्यून। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हेल्ड द ऑफिस ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया फॉर टू कंसेक्यूटिव टर्म्स? तो उपराष्ट्रपति पद पर दो बार लगातार किसने कार्यकाल संभाला है? तो ये संभाला है डॉक्टर राधा कृष्णा ने। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर रहेगा 53 क्वेश्चन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग वुड नॉट कंस्टिट्यूट एन इकोनॉमी एक्टिविटी? तो निम्नलिखित में से कौन सी एक आर्थिक क्रिया नहीं मानी जाएगी? तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी, अ टीचर टीचिंग हिज ऑन डॉटर एट होम। तो इस क्रिया को आर्थिक क्रिया नहीं माना जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट वाज द नेम अकॉर्डेड टू द मिलिट्री ऑपरेशन इन कारगिल 1999? तो 1999 में कारगिल में सैनिक कार्रवाई को क्या नाम दिया गया था? तो इसको नाम दिया गया था ऑपरेशन विजय। तो ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज फेमिना मिस इंडिया 2016? तो 2016 में फेमिना मिस इंडिया कौन बनी थी? तो ये बनी थी प्रियदर्शनी चटर्जी। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूनियन कैबिनेट हैज टू प्रोवाइडेड हाउसिंग फॉर ऑल बाय द ईयर? तो केंद्रीय मंत्रिमंडल ने सभी के लिए घर परिवारित किए हैं किस वर्ष तक? तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी 2022 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच अमेंडमेंट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इंसर्टेड द टू वर्ड सोशलिस्ट एंड सेकुलर इन द प्रीएम्बल? तो जो समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष दो शब्द हैं, ये कौन से अमेंडमेंट के तहत प्रीएम्बल में ऐड किए गए थे? तो ये 42 अमेंडमेंट के तहत ऐड किए गए थे। तो ऑप्शन सी इसका बिल्कुल राइट आंसर रहने वाला है। तो ये थे आज के हमारे जीके क्वेश्चन पटवारी के एग्जाम के लिए प्रीवियस एग्जाम्स में से। नेक्स्ट वीडियो में हम रीजनिंग और मैथ्स कवर करेंगे। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और कमेंट जरूर करें, अपना सजेशन भी आप दे सकते हो। चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल के आइकन प्रेस करना मत भूलिएगा, इससे आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा जब भी कोई भी नई वीडियो अपलोड होगी। थैंक यू स्टूडेंट्स।